हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं सिज़लिंग कबाब। इसके लिए मैंने मटन कीमा लिया 250 ग्राम। इसमें थोड़ी चर्बी भी पिसी हुई है, चिकना होगा तभी बहुत अच्छे बनते हैं। 2 टेबल स्पून हमने प्याज डाली है, 4 लहसुन की कलियों को पीस कर वो डाला है, 1/4 से भी कम थोड़ी हल्दी, 1/4 चम्मच पिसी लाल मिर्च, और मैं इसमें ये सफ़ेद मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच डाल रही हूँ, और सूखी अदरक जिसे हम सोंठ कहते हैं वो भी मैंने 1/4 चम्मच डाली है इसमें, और 6-8 पुदीने की सूखी पत्तियों को तोड़कर डाला है मैंने। ये मेरे पास पपीता पाउडर है, 2 पिंच डाला है ताकि इससे मीट गल जाएगा, और 2 चम्मच हमने इसमें भुना चना पाउडर जिसे हम नख्ते कहते हैं वो डाले, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालकर इन सबको बहुत अच्छी तरह से मिलाया। इसमें मिलाना बहुत अच्छी तरीके से 5-10 मिनट इसको मसाज देते रहें। 2 घंटे के लिए इसे हमने रख दिया था। फिर कबाब का शेप देने के लिए आप चाहे तो स्ट्रॉ वगैरह ले लें, ये लकड़ी है मेरे पास, रई मथने वाली होती है जो दही उसकी ही लकड़ी है, उस पे मैंने इनको गोला कबाब जैसा शेप दे दिया है। ओवल सा कोफ्ता बनाया, उसके अंदर लकड़ी घुसेड़ दी, हमारा कोफ्ते का शेप बन जाएगा। ऐसे ही हम सारे कोफ्ते बना लेंगे। चिकना होने से ये कोफ्ते टूटेंगे नहीं, चिकना कम होता है गोश्त का तो बहुत टूटते हैं वो, इसलिए 1 किलो गोश्त में 200 ग्राम के करीब चर्बी होनी चाहिए। हमने इसको ऐसे शेप दे लेने हैं सारों को, बहुत आसानी से ये बन जाते हैं। सारे कोफ्ते बना लिए। एक तरीका तो यह है कि आप इसको पैन पे 1 चम्मच तेल गरम करके उसमें सब तरफ से फ्राई कर लें। सब तरफ से सुनहरा सुनहरा सेक लें, एक तरफ से सिक जाए तो पलट के दूसरी तरफ से सेकें, फिर साइडों से भी सेकें, क्योंकि ऊपर नीचे से तो सिक जाएंगे, गोल साइड हो ओवल शेप है तो इन्हें साइडों से भी सेकना पड़ेगा अच्छी तरह से। जब ये सब सुनहरे सिक जाएं तो आप इनको एस सच एस भी यूज़ कर सकते हो स्नैक्स के तौर पर, ये पूरी तरह से रेडी है, नहीं तो हम इनको धुआं देंगे। धुआं देने के लिए मैंने तलने वाली ये छन्नी को गैस पे रखा, उसमें सारे कोफ्ते रखे कबाब, और उसको मैंने गैस पर 2-3 मिनट धुनी दी। मेरे ये कबाबों को स्मोक लग गई। इधर हमने जो तेल में तले थे उसी तेल में मैंने 2 प्याज़ें बारीक कटी थी, जिसमें से हमने 2 चम्मच प्याज तो कबाब बनाते वक्त डाल दी थी, बाकी बची प्याज को अब हमने इसमें डाल दिया तेल में। बहुत बारीक चॉप की हुई प्याज है। बेसिकली हम कबाबों को टॉस करने के लिए ये मिक्सचर बना रहे हैं। जब प्याज लाइट पिंकिश सी हो जाए तो हम इसमें जो है लहसुन का पाउडर पेस्ट डाला है, 1 चम्मच के करीब लहसुन का पेस्ट डाला है, इसको सौते होने दिया। प्याज हमारी पिंकिश हो गई तो उसमें हमने 1 चम्मच अदरक
लहसुन का पेस्ट डाला और हमने 1/4 चम्मच सौंठ डाली, जिसे हम सूखी अदरक कहते हैं। 1 टमाटर बारीक कटा हुआ हैंडी चॉपर में ही चॉप किया है वो डाला। अच्छी तरह से इसे भुनने थे। इसमें हमने 1/4 से भी कम नमक डाला है। नमक मैंने इसलिए कबाबों में नहीं डाला क्योंकि जब मैंने बुचर से कबाब बनवाए थे तो उसने नमक में पीसा था, इसलिए मैंने नहीं डाला। इसमें 1/4 चम्मच मिर्च पिसी हल्दी डाली, 1/2 चम्मच मिर्च डाली पिसी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देखकर डालें। अच्छी तरह से इनको भून लिया। जब ये भून गया तो हमने इसमें कबाब डालकर उनको टॉस किया। पाँच मिनट इसी मसाले में इसको कुक होने दिया। ये मसाला हमें ग्रेवी वाला नहीं है, सिर्फ कबाबों पर ये लगा रहेगा ऐसा मसाला है। हमारे सिजलिंग कबाब तैयार है। इनमें स्मोक की बड़ी अच्छी सी स्मेल आती है। अब इनको सर्व करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो शेयर करें फैमिली फ्रेंड के साथ। नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।